दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है और मैसेज आ रहा है लेखपाल हस्ताक्षरित घोषणा पत्र उपलब्ध कराएं। ये मैसेज दोस्तों काफ़ी लोगों के पास यहाँ पर आया है और आप स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर में यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये देखने को मिलेगी, ये प्रॉब्लम है आपके सामने है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर दोस्तों। रीजन भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, लेखपाल हस्ताक्षर घोषणा पत्र उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर दोस्तों घोषणा पत्र क्या है और कैसे अपलोड करना है तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सबसे एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको अब यहाँ पर दोस्तों भूले खतौनी के साथ साथ घोषणा पत्र भी यहाँ पर दोस्तों उपलब्ध कराना रहेगा। वो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ जमा करना है अपने ब्लॉक या तहसील में जाके या फिर अपने कृषि विभाग में। तो यहाँ पर दोस्तों जो घोषणा पत्र है, पहले यहाँ पर जो भूले खतौनी के कारण यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था, अब इसके कारण यहाँ पर रिजेक्ट भी हो रहा है। खतौनी तो आपको यहाँ पर दोस्तों अपलोड करनी है, इसके बाद घोषणा पत्र भी यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों घोषणा पत्र क्या होता है मैं आपको यहाँ पर दोस्तों गूगल ब्राउज़र में लेके चलूँगा। अब यहाँ पर मैं पीएम किसान सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा, हो सके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इमेज से आपको दिखा देता हूँ पीएम किसान घोषणा पत्र। यहाँ पर दोस्तों मैं ये है, ये दोस्तों पीएम किसान घोषणा पत्र आपको यहाँ पर दोस्तों दिखेगा आपके सामने, ये आपको दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, सॉरी अपलोड नहीं करना है, आपको यहाँ पर अपना जो लेखपाल हैं उनके पास इसे लेके जाना है। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पद धारक हैं? नहीं हैं तो नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आपको हाँ और नहीं में जवाब देना है। इसके बाद में नीचे आपको दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं हस्ताक्षर अपने जो लेखपाल हैं उनके, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपने भी साइन कर देना है। इसके बाद आपको अपने ब्लॉक में यहाँ पर जाना है और आपका फॉर्म वहाँ पर दोस्तों जो आपके ब्लॉक या तहसील में वहाँ पर आपको दे देना है और वहाँ से हाथों हाथ यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई करा लेना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं भी जाता है तो आप यहाँ पर दोस्तों अपने जो है नज़दीकी कृषि विभाग में जाना रहेगा, वहाँ पर जाकर भी दोस्तों आप ये कार्य करा सकते हैं और इसके बाद अपनी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही कार्य आपको करना है, इससे आपका पैसा यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।